कैवलरी दस्तों को हुक्म दिया कि तमाम फरार होने वाले रोमन्स और आर्मेनियंस को कुचल के रख दिया जाए। इस कदर कंप्लीट स्लॉटर हुआ कि एक भी रोमन फौज का शव जिंदा ना बच सका, सिवाय चंद एक लोगों के जो कैद कर लिए गए। बताते खुद रोमन एम्परर रोमानोव मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुआ, बल्कि एक आम मामूली सिपाही ने सिर्फ 25,000 मुजाहिदीन को लेकर निकला। सुल्तान अलप अरसलान ने जंग शुरू होने से पहले 20 टर्म रोमानोव की तरफ भेजी, लेकिन उसको अपनी तादाद इतना तकबर था कि उसने उनको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद जंग की तैयारी शुरू होती। जब रोमन फौज मुसलमानों के कल्प पर हमलावर होती है और शदीद जंग शुरू हो जाती है, तो इस मौके पर सुल्तान ने अपने राइट और लेफ्ट फ्लैंक से अपने रिजर्व दस्तों को दुश्मनों के राइट और लेफ्ट फ्लैंक पर हमला करने का हुक्म दिया। आर्मेनियन फौज की जो